सपोज आप कोई मोटरसाइकिल इंपोर्ट करना चाहते हैं, बाइक, सपोज आप कोई बाइक इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको पता है कौन से एचएस कोड में जाएगा? वो जाएगा आपका 8711 में। और सपोज वो बाइक है आपकी पर्टिकुलरली हार्ली डेविडसन डायना फैट बॉब, जो कि है 1700 सीसी की करीब, मेरे ख्याल 1400 या 1500 सीसी की है, तो वो जाएगा आपका 8711 50 में। सपोज आपको कार नहीं पसंद, आपको बाइक नहीं पसंद, आपको कार पसंद है, आप कार इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो जो अगर आप कोई भी कार इंपोर्ट कर देना तो वो जाएगा आपका 8703 में। और सपोज वो कार जो है वो पर्टिकुलरली आपकी फोर्ड मस्टैंग है, फोर्ड की मस्टैंग जो 80 लाख रुपए की आती है, फोर्ड मस्टैंग है, तो वो जाएगा आपका एचएस कोड 870333 में। चलो इन दोनों का एचएस कोड तो मैंने बता दिया, पर आपको ये पता है कि एचएस कोड क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। एचएस कोड का सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं आपको। एचएस कोड का कई लोग को मेरे को तो पता है, मेरे को लगता है कि कई लोगों को पता भी नहीं होगा, जो लोग बहुत सारे तो कस्टम है उनको भी। हार्मोनाइज सिस्टम कोड कहते हैं इसको। हार्मोनाइज सिस्टम जो है ना, वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में, और ज्यादातर कंट्रीज ने इस चीज को अपना लिया है, और उसी के बेस पे अभी भी सारा का सारा ट्रेड उसी हार्मोनाइज सिस्टम कोडिंग के बेस के ऊपर ही चलता है। इंटरनेशनल लेवल पे ये मेन जो क्लासिफाई करता है ना गुड्स को, वो 6 डिजिट्स में क्लासिफाई करता है। मोस्ट एचएस कोड जो है ना, करीबन करीबन 53,000 आर्टिकल्स को कवर करता है जो एचएस कोड। जैसे हमारे इंडिया का टैरिफ हो गया, या बाहर का जो भी इंटरनेशनल टैरिफ है, वो मोस्टली सेम ही होता है। चैप्टर हेडिंग जो है, वो जो मेन चैप्टर हेडिंग है, वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सेम ही होता है। तो ये जो है ना, चाहे आपने जो कस्टम टैरिफ्स हैं, ये टोटल आपके 53,000 प्रोडक्ट्स को कवर कर चुका है अपने अंदर। और ये जो है, ये मेनली हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइडेड है, जो कि टोटल 99 चैप्टर्स के अंदर ये सारा का सारा एचएस कोड सारे के सारे चीजें कवर है। बट इंडिया में जो है ना, इंडिया में है आपका 98 चैप्टर जो सारी चीजों को कवर करता है। उसके बाद एक 98A है, जो कि आपका मिसलेनियस आइटम, लॉटरी वगैरह और इन सारी चीजों को कवर करता है। और 99 चैप्टर जो है ना इंडिया में, वो पता है क्या है? वो फ्यूचर पर्पस के लिए रखा हुआ है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने। जैसे कि फ्यूचर पर्पस बोले तो, जैसे कि सपोज आगे जाके कुछ ऐसी चीज इन्वेंट हो जाती है जो अभी हमारे हम जिस चीज में हम ट्रेड नहीं करते। सपोज कोई एलियन वगैरह आ जाते हैं बाहर से, फिर हम उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी को ट्रेड कर रहे हैं, उनके फायर उनके जो टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, उनको हम वो कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो उन फ्यूचर वो फ्यूचर पर्पस के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 99 चैप्टर जो है 99th चैप्टर जो है वो रखा हुआ है रिजर्व। एचएस कोड के जो 6 डिजिट मेन जो कोड होता है ना, जो वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जो 6 डिजिट कोड होता है, सपोज कोई भी आप चीज इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप अपने इनवॉइस में देखना या बीएल में देखना। बीएल में तो बीएल मोस्टली 4 डिजिट लिखा होता है, बट इनवॉइस में जो है वो 6 डिजिट लिखा होता है। 6 डिजिट जो है ना, वो आपको 3 ग्रुप में आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर सपोज आप क्या इंपोर्ट कर, सपोज आप कॉफी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को कॉफी बहुत पसंद है, तो मैं कॉफी का लेके चलूंगा एकदम। सपोज आप कॉफी इंपोर्ट करना चाहते हैं, सपोज आप कॉफी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कौन से चैप्टर में जाएगा? वो जाएगा आपका 9th चैप्टर में, जो कि है आपका कॉफी टी स्पाइसेस मेट एंड स्पाइसेस के चैप्टर में। अब जो है आप इंपोर्ट कर रहे हैं कॉफी, देखिए चैप्टर जो है वो कॉफी को भी कवर करता है, टी को भी कवर करता है, बाकी दूसरे स्पाइसेस को भी कवर करता है। पर्टिकुलरली ये कॉफी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कॉफी जो जाएगा वो जाएगा आपका 0901 में। अब 09 हो गया आपका मेन चैप्टर, 01 हो गया कॉफी के लिए। अब फर्दर इसको हम क्लासीफाई करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट है, 4 डिजिट हमने कवर कर लिए, लास्ट के 2 डिजिट जो है ये फर्दर इसको क्लासीफाई करता है। देखिए जैसे कि कॉफी जो है आपका रोस्टेड, नॉन रोस्टेड कॉफी है, नॉन रोस्टेड कॉफी है, और कॉफी है या कोई भी कॉफी का प्रोडक्ट है जिसके अंदर कॉफी इंक्लूडेड है बट वो नॉन रोस्टेड है, तो वो जाएगा आपका 090111 में। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जिससे कि उन्होंने आप लोग क्लासीफाई, ये एचएस कोड का छोटा सा एग्जाम्पल था। एचएस कोड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, मेन 6 डिजिट को मेन कंप्राइसेस ऑफ 6 डिजिट्स विच कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इंटू 3 ग्रुप्स विच इज कवर्ड अंडर 99 चैप्टर बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एचएस कोड का एक बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आई होगा। इन केस आपको कुछ भी डाउट होता है या आप कैसे टॉपिक्स आगे देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर करना। मैं आगे भी ऐसी चीजें, ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा, रिलेटेड टू कस्टम, रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड न्यूज। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दीपांकर।